हंस क्या रही हो? जल रही हो ना, इसलिए अपनी जलसी को अपने हंसी में छुपा रही हो। वैसे पता है तुम्हें, लेडी मुगैम्बो के चेहरे पर ना गुस्सा ही सूट करता है। क्या? आप मुझे उस नाम से नहीं बुला सकते। अब जो नाम तुम्हें सूट करेगा मैं उसी नाम से बुलाऊंगा ना, लेडी मुगैम्बो। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, आप मुझे उस नाम से नहीं बुला सकते। लेडी मुगैम्बो बुलाया बुलाया बुलाया। और हाँ, एक सजेशन तुम्हारे लिए, तुम अपने विजिटिंग कार्ड पर लेडी मुगैम्बो का नाम क्यों नहीं लगवा देती? पता है फिर जो भी तुमसे मिलेगा ना तुम्हें ऐसे ही ग्रीट करेगा, हे मुगैम्बो। अरे कहाँ जा रही हो? देखो तुम्हें मेरे साथ जितना भी कॉस्ट कटिंग करना है ना कर लो, लेकिन मेरी फुग्गी उसके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। I'll be back. No, don't touch. ये पेन पेपर लो और लिखो। अरे लिखो, याद करो। ठीक है, याद करो याद करो। नंबर वन, मेरी फुगी के लिए ना हर रोज एक नई ड्रेस आनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दादी आपको पता है कि दीने यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं कि चीचू ने उसे कुछ कह दिया। मुझे तो कुछ पता नहीं। दी, दी, क्या हुआ तूने? तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब गड़बड़ हो गई, सारा प्लान फेल हो गया। अभी हुआ क्या है? हम आलिया के साथ गेम खेलना चाहते थे, वो उल्टा हमारे साथ गेम खेल रही है। हम आलिया को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहीं हमें ना पकड़ ले, इसलिए हमें ये सारा प्लान ही ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे हो गया? कहीं उसे तुझ पर शक तो नहीं हो गया कि तू ही उस प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी है? उसे सेक्रेटरी पे नहीं, उसे प्रोड्यूसर पे ही शक हो गया। प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर पे? हाँ प्रोड्यूसर पे। मैंने जब उसे फोन किया था तो उसने कहा कि उसे प्रोड्यूसर से मिलना है, और कहा कि सीडी वो तभी देगी जब वो प्रोड्यूसर से मिलेगी। ये सब मामले में ना आलिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमने जहां तक सोचा भी नहीं वो वहां तक सोच रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। प्रज्ञा सही कह रही है, हमें अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ। इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, कैंसिल कर दो ये सब। क्या सोच रही तू? तो प्लान ड्रॉप करने के लिए क्यों बोल रही है? देख मैं जानती थी कि आलिया को हम पर शक जरूर होगा। इनफैक्ट मुझे इस बात का डर था कहीं वो तुझे मिलने के लिए ना बुला ले। लेकिन उसने तो प्रोड्यूसर को ही लपेट लिया। देख अब अगर वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है तो हम उसे प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? कहां से लाएंगे प्रोड्यूसर? वो प्रोड्यूसर को मिलने की बात कर रही है। प्रोड्यूसर वो बाजार बिकने वाली चीज नहीं है जो खरीद के उसे दिखा देंगे। दादी मुझे कुछ सोचने दो, दीद तू भी सोच। हाय रे बा, अब जरा सोचिए और मुझे भी सोचने दो। सोचिए क्या? सोचिए मिल गया। नहीं तू ऐसे मत हंस, तू ऐसे हंसती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर तू मुझे कुछ करने बोलेगी तो मैं तो नहीं करने। रिलैक्स दी, पहले सुन तो ले मैं क्या बोल रही हूँ। दादी क्या? बेटा तू उसकी बात सुन तो ले, क्या कहना चाहती हो? हाँ बोल ना बेटा बोल। सही है। ओके। और नहीं 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 भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। मुझसे नहीं होगा मतलब? मामा जी आपने सुना भी नहीं और आपने पहले कह दिया कि आपसे नहीं होगा, कोशिश तो कीजिए ना। और देखिए मामा जी, आपको पता है इस काम के लिए मैंने सिर्फ आपको क्यों चुना? क्योंकि आप ही है वो जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। और मामा जी आप एक बार सुन के तो देखिए, आई एम श्योर आप कर दोगे, है ना दादी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए भाई साहब, जब हमें आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ मामा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओ नहीं पुत्र, ये एक्टिंग वैक्टिंग ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम्हारी मामी के सामने मेरे मुंह से एक झूठ का शब्द नहीं निकलता, फिर ये इतना बड़ा ड्रामा कैसे होगा मुझसे? नहीं नहीं मैं बोलता हूँ ना, तुम लोगों ने मुझे बुला के ही गलती की है, ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। क्या मामा जी आप मामा कह के नाना करते हो? आपको पता है माँ का मतलब क्या होता है? माँ 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 मतलब डबल माँ। माँ की अगर इतनी जिम्मेदारी होती है तो मामा की तो डबल जिम्मेदारी होती है। और एक मिनट दी, जरा
देखिए ठीक से देखिए, पहले कैसे भोली वाली थी, अब कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। पहले बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन अब इतना सारा झूठ बोलती क्योंकि उसे मैंने सिखाया। और मामा जी, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। और महाभारत में स्वयं लॉर्ड कृष्णा ने भी तो झूठ बोला था, वो भी तो किसी के मामा जी थे। वो किसके मामा थे? वो जो थे ना, वो मामा जी। आपको क्यों जानना है किसके मामा जी थे किसके मामा जी नहीं थे? आप देखिए ना, दी से इंस्पिरेशन लीजिए, देखिए सीखिए उससे कुछ। हाँ पुत्र, अरे इसे देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। पहले तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाया। कहाँ चश्मा लगाकर घूमने वाली भोली वाली हमारी प्रज्ञा, एकदम सेठानी लग रही है। तो फिर मामा जी, मैंने इस भीगी बिल्ली को तो शेरनी बना दिया है, और आपको तो मैं बब्बर शेर बना दूंगी। देखिए आपका ना तेल डाल तो एकदम परफेक्ट है, लुक टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ना एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, ये दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे? क्या है भाई, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप कहाँ गई थी? कहाँ तो है, गुरुद्वारे गई थी। मैंने कहा था ना, अगर इनसे पूछेंगे तो ये यही कहेंगी कि मैं गुरुद्वारे गई थी। अगर ये गुरुद्वारे गई थी तो इनसे पूछो कि कड़ा प्रसाद कहाँ है। हाँ तो लेके आ रही थी ना मैं कड़ा प्रसाद। वो क्या है कि रास्ते में मुझे लगा कि शुगर डाउन हो रही है तो मैंने खा लिया। क्या सुना? मैंने क्या कहा था, ये यही कहेंगी। अभी जरा इनसे पूछो कि ये गुरुद्वारे गई थी तो अकेली क्यों गई थी मुझे छोड़कर। अरे इंदु, मैं जब जाने लगी थी तू मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैं अकेली चली गई। लो कर लो बात, 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ और गुरुद्वारे जाते वक्त मैं इन्हें दिखी नहीं। वाह 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 वाह। दादी आप कहाँ गई थी? बोला तो है गुरुद्वारे गई थी। आप झूठ बोल रही है दादी। अगर आप गुरुद्वारे जाती तो आप दासी को अपने साथ ले जाती। आप किसी से मिलने गई थी जिसके बारे में आप हमें नहीं बताना चाहती। हम मिलके तो आ रही हूँ, वो मेरी सहेली है ना, तो उससे मिलके आई हूँ। सहेलिया सहेला, शॉपिंग गई थी ना मेरे लिए, दादाजी लाने गई थी ना आप। अरे ठीक है दासी, बारिश के मौसम में तो मेंढक भी आवाज लगाते हैं। आप तो रॉकस्टार की दादी, ये सब तो होते ही रहता है। जरूर ऐसी ही कोई बात होगी, जब ही तो ना इन्हें बहन दिखी ना पोता। तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो है? अरे हाँ दादी, टांग खींच रहे हैं। आप इतना सीरियस क्यों हो गई हो? अरे आप मेरी तंगड़ी कबा में आपका टांग नहीं खींचूंगा तो किसको खींचूंगा? अब तुम इस तरह हमें अकेला छोड़ के जाओगी तो कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगी ना। अच्छा मेरी माँ, अच्छा तू तो मेरे गुद का परांदा है ना, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। आइंदा जब गुरुद्वारे जाऊंगी ना तो अपने गुद के परांदे को साथ ही लेके जाऊंगी। मैं थोड़ी परांदी नहीं, थोड़ी परछाई हूँ। अरे ये हुई ना बात, अब जब भी आप दोनों बाहर जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे। वो क्या है ना, एक साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। एंजॉय। कैसे दिखाएंगे आप मुझे तस्वीर जब कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि गाना गाने के अलावा आपको आता क्या है? अरे गाने और नाचने के अलावा ना पेंटिंग और ड्राइंग में चैंपियन हूं मैं। फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में, समझी? अच्छा क्या बनाया था तब? तब मंकी। ऑब्वियसली आपकी टीचर को आपको देखकर जो पहली चीज याद आई होगी वही तो बनवाएंगे ना। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, इतने महान आर्टिस्ट ने अपने कर कमलों से मेरी ही तस्वीर क्यों बनाई? मतलब इतना बड़ा एहसान क्यों? पूछो पूछो। पूछ तो लिया, अब आप जवाब दीजिए। अच्छा पूछ लिया, ओके देन। वो क्या है ना, आजकल लोग अपनी विजिटिंग कार्ड पर अपना फोटो छपवा देते हैं। मैं अपना बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ और क्योंकि तुम मेरी बॉस हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तो मैं सोच रहा था कि अपने बिजनेस कार्ड पे मैं तुम्हारी फोटो छपवा दूंगा। How's that? उसमें तस्वीर बनाने की क्या जरूरत, आप मुझसे मेरी फोटो मांग लेते। अरे नहीं नहीं, नॉर्मल फोटो थोड़ी ना डालना है, स्पेशल इफेक्ट्स भी तो करने। स्पेशल इफेक्ट्स? आप मेरी फोटो को क्या स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हैं, दिखाई मुझे। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, रुको। जितनी बनी उतनी दिखाई। अरे मुझे मजा नहीं आएगा ना। अरे मुझे मजा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, दिखाई। देखने से पहले फाड़ दोगी क्या? प्यार से बनाया।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।